नमस्कार, काजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी पांच खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के सिखड़ी बाजार स्थित चंदा टेंट हाउस गोदाम के मेन गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने गुरुवार की रात लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। टेंट हाउस मालिक शंकर राजभर ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। बताया कि चोरों ने एक जनरेटर, 20 अदद गद्दा व 90,000 कीमत का LED लाइट चोरी किया है। नोडल अधिकारी जनपद गाजीपुर सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा ने शुक्रवार को 200 बेड के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय में जांच के लिए लगाए गए ट्रूनेट मशीन एवं एंटीजन लैब में कोरोना टेस्टिंग के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव द्वारा विकास खंड सदर के पुलिस लाइन के पास ब्रह्मस्थान मोहल्ला का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी GC मौर्य एवं अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के बेलासी गांव में शुक्रवार की दोपहर आकाशीय बिजली की जद में आने से जहां दो भैंस और पड़िया की मौत हो गई, वहीं दो महिलाएं इंद्रदेव बिंद की बहू हीरावती और पुत्री रीनू झटका लगने से बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें नंदगंज अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद चिकित्सक ने दोनों को घर जाने की सलाह दी। गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र के पटकनिया गांव के दर्जनों महिला पुरुष मनरेगा मजदूरों ने मजदूरी का भुगतान न होने पर युवराजपुर पटनिया मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को दिन में हाथों में जॉब कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। पटकनिया के मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड धारकों को गांव में ही काम दिया जाता है, साथ ही नई व्यवस्था के साथ मजदूरी का भुगतान भी सीधे खातों में किया जाता है, लेकिन हम लोगों को 2 महीने पूर्व कराए गए कार्यों के बाद आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर शुक्रवार को जिलाध्यक्ष रामधारी यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी प्रकोष्ठों के गठन पर विचार करने के साथ ही प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजी रोटी की समस्या पर भी चर्चा की गई। बकरीद पर्व पर कुर्बानी देने के सवाल पर सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ बड़े जानवरों की कुर्बानी को रोकने पर जिलाधिकारी के फैसले पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की नीति और नियत ठीक नहीं है, वे सांप्रदायिक कार्ड खेलने में व्यस्त हैं। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।